नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव टॉक विद चिंटू चैट एवरीडे। और दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि आज हम जब सफ़र में चलते हैं, सफलता की राह पे जब चलते हैं, तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन चुनौतियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, आज मैं आपसे उस पर बातें करने वाला हूँ। जी हाँ, कहा जाता है कि हम दूसरों से नहीं, हम खुद से हार जाते हैं। दूसरा हमें हरा नहीं पाते, लेकिन हम खुद से हार जाते हैं। और हम खुद से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम खुद को समझा नहीं पाते हैं कि मैं जीत सकता हूँ, हम में वो काबिलियत है, हम जीत सकते हैं, हमने जो चुना है वो सही चुना है। हम अक्सर दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सही हूँ, मैं ये मतलब आप कहें ब्ला 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 जो कहते हैं हम लोग, कि हम अक्सर दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, दूसरों को नहीं खुद को समझाना है चुनौती। आज जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, चाहे आप नारायण मूर्ति के नाम ले लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी का नाम ले लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, चाहे ऐश्वर्या राय का नाम ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिए, चाहे विराट कोहली का नाम ले लीजिए, ये सारे लोगों ने सबसे पहले खुद को समझाया कि मैं कर सकता हूँ। और जितने भी फेलियर्स लोगों का नाम आप जानते हैं, वो दूसरों के समझाने पर लगे हुए हैं कि मैं कर सकता हूँ। अब डिसीजन आपको लेना है दोस्त, कि आप खुद को समझाने की चुनौती ले रहे हैं या दूसरों को समझाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्त, दूसरों को नहीं खुद को समझाना है चुनौती। और अगर आप इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो सबसे पहले खुद के पास बैठिए, खुद से बातें कीजिए और खुद को कन्विंस कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप खुद को भरोसा दिलाना पहले शुरू कीजिए। और मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में हूँ कि आप खुद को भरोसा दिला पा रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।